पाकिस्तान की सरकार ने भारतीय महिला अंजू का वीज़ा बढ़ाने का फैसला लिया है। अंजू जुलाई में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पहुंची थीं। उनके पाकिस्तान में इस्लाम अपनाने की खबरें भी सामने आईं और बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्ला से शादी भी कर ली है। अंजू अपने पति अरविंद और दो बच्चों को राजस्थान के अलवर ज़िले में छोड़कर पाकिस्तान गई हैं। वो इस समय खैबर पख्तूनख्वा के ऊपरी दीर ज़िले के रहने वाले पाकिस्तान के अपने प्रेमी नसरुल्ला के घर पर हैं। दोनों की मुलाकात साल 2019 में फेसबुक पर हुई थी। अंजू कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद गई थी। उनका वीज़ा सिर्फ 20 अगस्त तक के लिए वैध था। वीज़ा में उसे सिर्फ अपर द्वीप पर रहने की अनुमति मिली थी। गृह मंत्रालय की तरफ से अंजू का वीज़ा जारी किया गया था। पाकिस्तान के आज इंग्लिश टीवी ने नसरुल्ला के हवाले से बताया है कि पाकिस्तान की सरकार ने अंजू का यात्रा वीज़ा 2 महीने के लिए बढ़ा दिया है। नसरुल्ला ने कहा, फातिमा का वीज़ा शुरू में ही फातिमा यानी अंजू का वहां पर बदला हुआ नाम। नसरुल्ला ने कहा कि फातिमा का वीज़ा शुरू में 2 महीने के लिए बढ़ाया गया है और उम्मीद है कि बाद में उसे 1 साल का भी वीज़ा दिया जाएगा। तब फातिमा यहां स्थायी रूप से रहने की योजना बनाएंगी। नसरुल्ला ने यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि भारत सरकार अंजू के 15 साल से कम उम्र के दोनों बच्चों को पाकिस्तान जाने और अपनी माँ के साथ रहने की अनुमति दे। अंजू को धर्म परिवर्तन और नसरुल्ला से निकाह के बाद पाकिस्तानी व्यापारियों से गिफ्ट में प्लॉट और चेक भी मिले हैं। धर्म परिवर्तन के बाद अंजू को फातिमा नाम दिया गया है। हालांकि अंजू और नसरुल्ला ने भारत की मीडिया से बात करते समय शादी की बात से इनकार कर दिया था, लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। नसरुल्ला ने अंजू के भारत लौटने और अपने बच्चों से मिलने की संभावना से इनकार कर दिया। नसरुल्ला ने उर्दू न्यूज़ से कहा, आप खुद ही सोचिए कि अगर अंजू भारत वापस चली गई तो उसके साथ वहाँ क्या किया जाएगा। नसरुल्ला ने कहा कि फातिमा अब अपरदीर के स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार अपनी ज़िंदगी जियेंगी। नसरुल्ला के मुताबिक उन्होंने अपनी पत्नी को यही समझाया है। हालांकि नसरुल्ला ने कहा कि अंजू को काम करने की मंजूरी है और वो अपनी कंपनी में शामिल हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि फातिमा यानी अंजू फिलहाल स्थानीय मीडिया से बात नहीं कर रही हैं, इससे दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो बाद में स्थानीय पत्रकारों से बात करेंगी। एनवीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।